देश में खेलों को बढ़ावा देने में भारतीय रेल का भी बड़ा योगदान है, जिसमें भारतीय रेल का विभाग रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, जिसके द्वारा खिलाड़ियों को अनेक सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, जिनमें एकेडमीज और स्टेडियम्स का निर्माण भी शामिल है, ताकि खिलाड़ियों को तमाम बड़े टूर्नामेंट्स के लिए तैयार किया जा सके। एक विजन है कि हम लोग एकेडमीज बनाएं, स्पेशली जहां पर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ गेम्स के लिए लोग ट्रेनिंग लें। आर्चरी की एकेडमी ऑलरेडी CLW में बन चुकी है, इसी तरह क्रिकेट की एकेडमी बॉम्बे में बन चुकी है, और भी एकेडमीज रेसलिंग की दिल्ली में बनेगी, जहां बढ़िया कुश्ती की ट्रेनिंग मिलेगी, हॉस्टल्स होंगे, खाने का अरेंजमेंट्स होगा। भारतीय रेल द्वारा किए जा रहे इस प्रयास के परिणाम भी दिख रहे हैं, जिसमें भारतीय रेल के खिलाड़ियों ने कई बड़े टूर्नामेंट्स में मेडल्स जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। इस बात का प्रमाण है विनेश फोगाट और साक्षी मलिक, भारत की वो रेसलर्स जिन्होंने अपनी पहलवानी का दमखम पूरी दुनिया को दिखाया। विश्व के तमाम टूर्नामेंट्स में भारत को अनेकों गोल्ड मेडल्स दिलाने वाली विनेश फोगाट ने 2014 के ही एशियाई खेलों में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। इसके अलावा विनेश फोगाट ने 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया था। विनेश फोगाट रियो 2016 ओलंपिक्स खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। वहीं 2019 में स्पेन, टर्की और पोलैंड में हुए तीनों कुश्ती टूर्नामेंट्स में विनेश ने स्वर्ण पदक हासिल किए। भारत को अनेकों गोल्ड मेडल्स दिलाने वाली विनेश फोगाट ने जापान में होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में अपनी जगह पक्की कर ली है। ऐसा करने वाली वो पहली रेसलर बनी है। भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान साक्षी मलिक ने पूरे विश्व में देश का मान बढ़ाया है। रियो ओलंपिक्स 2016 में भारत को कुल 2 पदक मिले थे, जिनमें से एक पदक साक्षी मलिक का था। उन्होंने भारत को महिला कुश्ती में कांस्य पदक दिलाया था। 2017 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में खेले गए कॉमनवेल्थ कुश्ती चैंपियनशिप में साक्षी मलिक ने स्वर्ण पदक हासिल किया था। वहीं 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीता था। जब मेरा कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल आया तो उन्होंने मुझे मैंने रेलवे ज्वाइन की, और जब से रेलवे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, हमारा हर चीज़ में सपोर्ट करती है, और मैं नेशनल भी रेलवे की तरफ से ही खेली थी, तो इतना ज़्यादा वो है कि अगर हम सिर्फ पूरा साल अपना ट्रेनिंग करते हैं, कोई जॉब पर नहीं जाना पड़ता, तो खुशी है कि मैं रेलवे से जुड़ी हुई हूँ। विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जैसी तमाम महिला खिलाड़ियों ने देश का गौरव हमेशा बढ़ाया है, जिनको भारतीय रेल ने हमेशा सराहा है, और ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की भारतीय रेल हर संभव मदद कर रहा है।